हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम करने वाले इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैटिट्यूड्स। तो इंटरप्रिटेशन मीनिंग निकालना, स्टैटिट्यूड्स मतलब लॉ। हमारे देश में स्टैटिट्यूड्स नहीं, लॉ कहा जाता है, लॉ है हमारे देश में, ठीक है। तो अब हम करने वाले ये जो सब्जेक्ट है ये क्या होता है, इसको क्यों जरूरत पड़ती है, इसमें इंटरनल एड एक्सटर्नल एड ये चीजें क्या क्या है, और ये जो बाकी लॉ ऑफिसर्स या और एग्जाम्स होते हैं उसमें बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। सो करते हैं हम, और आप लॉ में होगे तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता ही होगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहला आता है इंट्रोडक्शन। तो इसकी मीनिंग क्या होती है इंटरप्रिटेशन और इंटरप्रिटेशन का, द वर्ड इंटरप्रिटेशन का मीनिंग क्या होता है, टू गिव मीनिंग टू। तो मतलब किसी चीज की मीनिंग देना इंटरप्रिटेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी चीज को इंटरप्रेट कर रहा हूँ मतलब उसकी मीनिंग निकाल रहा हूँ उसके अंदर से, ठीक है। ये वर्ड का आप मीनिंग तो समझ गए होंगे। और स्टैटिट्यूड्स मैंने बताई दिया, लॉ को कहते हैं। सिंपल फॉर्म में आपको समझने के लिए लॉ समझ लीजिए। द गवर्नमेंटल पावर हैज बीन डिवाइडेड इनटू थ्री विंग्स, नेमली लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशियरी। तो क्या है कि जो हमारा गवर्नमेंट है उसको थ्री पार्ट में डिवाइडेड है। ऑर्गन, और ऑर्गन आपने बहुत पहले पढ़ा होगा कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी, ये तीन ऑर्गन में डिवाइडेड है। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैटिट्यूड्स इज टू रेंडर जस्टिस द प्राइमरी फंक्शन ऑफ जुडिशियरी। अब हम ये जानते हैं कि लेजिस्लेचर का काम होता है कानून बनाना, लॉ बनाना, राज्यसभा लोकसभा में पास हो गया वो बिल एक लॉ बन जाता है, एक्ट बन जाता है, ठीक है। तो ये एक लॉ बन जाता है। अब ये जो है ये तो लेजिस्लेचर कर देता है, लेकिन ये जुडिशियरी पे डिपेंड, जुडिशियरी पे है कि वो किस तरीके से जस्टिस उससे दिलवाती है ना। तो जुडिशियरी उसको कैसे इंटरप्रेट करेगी, तो ये सारी चीजें, जैसे कोई लॉ बन गया तो अब उसको किस तरीके से देखना है, वो कहाँ पे एक्ट करेगा, किन किन कंडीशन में एक्ट करेगा, किन कंडीशन में नहीं एक्ट करेगा, तो ये सारा इंटरप्रेट करके हमें पता चलता है। तो जब कोर्ट के सामने कुछ आता है, सपोज करो कोई केस है, तो कोर्ट उस केस के लॉ देखता है कि इसमें क्या लॉ है, तो फिर उसको इस केस में जोड़ के देखता है, उसको इंटरप्रेट करता है, उसकी मीनिंग निकालता है लॉ की, कि इस केस में क्या कहना चाहता है। और जैसा उस एक्ट के अंदर होगा कि ऐसा कोई क्राइम करता तो उसको ये किया जाता, तो वैसे ही वो जस्टिस देगा कोर्ट। तो यही बात को बताया गया। तो इंटरप्रिटेशन कोर्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है इंटरप्रेट, क्योंकि हम इसमें एक्ट को इंटरप्रेट करते हैं। इट इज द ड्यूटी ऑफ अ कोर्ट टू इंटरप्रेट द एक्ट एंड गिव मीनिंग टू ईच वर्ड ऑफ द स्टैट्यूट। तो ये कोर्ट की ड्यूटी होती है कि जितना भी एक्ट या लॉ है उसको अच्छे से समझे और उसकी मीनिंग निकाल के उसी को केस के अकॉर्डिंग देखे कि ये केस में क्या होता है, ऐसे केस में उसी के अकॉर्डिंग पे करे, किसके में जो लॉ या एक्ट बना हुआ है। द मोस्ट कॉमन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन इज दैट एवरी पार्ट ऑफ स्टैट्यूट मस्ट बी अंडरस्टूड इन अ हार्मोनियस मैनर बाय रीडिंग एंड कंस्ट्रक्टिंग एवरी पार्ट ऑफ इट टुगेदर। तो सबसे कॉमन रूल क्या है इंटरप्रिटेशन का, कि जिस तरीके से लिखा हुआ उसके हार्मोनियस में, मतलब कंस्ट्रक्टिव वे में जैसे लिखा हुआ, सारे सबको जैसे तुमको पढ़े और जो फ्रेम करने की कोशिश करे। अब एक इंपॉर्टेंट मैं यहाँ पे मैक्सिम बता रहा हूँ, ये आपको मैक्सिम, ये इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स का ये एक इंपॉर्टेंट मैक्सिम है जो आपको पता होना चाहिए, तो मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ ये वाला। अभी हम इसको देखेंगे ये है क्या चीज। तो भाई ये देखो, अ वर्बिस लेगिस नॉन एस्ट, एक मिनट, हाँ ये छूट गया था, हाँ, रिसेंडेंडम, ठीक है। अब ये होता क्या है, अ वर्बिस लेगिस नॉन एस्ट रिसेंडेंडम, ये होता क्या है, इसका मतलब होता है डेट यू मस्ट नोट वेरी द वर्ड ऑफ द स्टैट्यूट व्हाइल इंटरप्रेटिंग इट। तो इस मैक्सिम का, ये लीगल मैक्सिम ये कहता है कि जब आप इंटरप्रेट करते हो तो उसके मीनिंग चेंज ना हो, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो इंटरप्रिटेशन का रूल यही है कि आप उस सेंस में उसको समझो जिस सेंस में उस लॉ को बनाया गया, ये नहीं कि इंटरप्रेट करने के बाद बनाया किसी और सेंस में था और आपने इंटरप्रेट करने का बिल्कुल ही अलग मीनिंग निकाल दिया, तो वैसे नहीं करना है। ये मैक्सिम यही बताता है, और इंटरप्रिटेशन पूरा सब्जेक्ट है इसी बेसिस पे है। नेक्स्ट आता है हमारे सामने ऑब्जेक्ट क्या होता है इंटरप्रिटेशन का। अब हम ये तो जानते हैं ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, तो आपको अगर आप शुरू से ही पढ़ रहे हो BLLB या कोई लोग, तो आप ऑब्जेक्ट हर जगह देखते हो, सोशियोलॉजी में ऑब्जेक्ट क्या, सोशियोलॉजी का नेचर क्या, ये सब चीजें। तो इसमें भी इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैटिट्यूड्स का भी ऑब्जेक्ट होता है, तो इसका क्या ऑब्जेक्ट है वो हम देखने जा रहे हैं। The object of interpretation of statutes is to determine the intention of the legislature conveyed, expressed or implied in the language used. हाँ, तो object of interpretation मतलब कि क्या उनकी objection, क्या मतलब किस object से बनाया गया था, क्या नियत थी उनके बनाने की, ये हम इसमें देखते हैं। For example, जब लॉ बन रहा था तो राज्यसभा में डिबेट होता है, तो उसमें किस चीज को लेके, किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये रूल आया था, ये लॉ बना था। कैसे बिल जब डिस्कशन हो तो किस चीज से रिलेटेड होता है, तो उसी चीज के बारे में ये बता रहा है।
ठीक है, कि ऑब्जेक्ट क्या था, कि जब लेजिस्लेशन की जरूरत पड़ी ऐसे, फॉर एग्जांपल को साइबर सिक्योरिटी आया, हैकिंग के लिए रूल आया, तो देखेंगे कि किस टाइप के हैकिंग पे ये रूल आया था, कहाँ पे ये लागू होगा, तो ये सारी चीज़ों को ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव के अंदर ये सारी चीज़ें आती है। ठीक है, कि ये डिबेट जो जो स्पीच वहाँ पे हुई थी, जो जो लोगों ने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने डिस्कस किया था कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैटर करती है। ठीक है, इसीलिए इंटरप्रिटेशन का हम कई बार क्या होता है ना, कई बार स्टैट्यूट जो लो है उसके मीनिंग नहीं समझ में आती, तो हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल एड की मदद लेते हैं, एक्सटर्नल एड की मदद लेते हैं, इंटरनल एड की मदद लेते हैं कि यहाँ पे कहना क्या चाहता है स्टैट्यूट, किस तरीके से हम इसको इंटरप्रेट करें। ठीक है, और कई बार हम तो पार्लियामेंट की स्पीचेस भी निकालते हैं, जो देखते हैं ना हम लोग आपस में डिबेट डिस्कशन करते हैं, उसकी भी पूरा डिटेल निकलता है कि उन्होंने किस कंटेस्ट में कहा था, कॉन्टेस्ट में कहा था, क्या हेडिंग है, प्रीएम्बल, सब कुछ है, हम सब देखेंगे। ठीक है, और आपको उम्मीद करता हूँ आपको इसी चीज़ें समझ में आ रही होगी। अब हमारे सामने एक छोटा सा केस आया है और ये अच्छा केस है, इसीलिए मैं आपको अच्छे से इसको बता देता हूँ। हाँ देखो, शांति स्वरूप सरकार वर्सेस प्रदीप कुमार सरकार। अब इस केस में हुआ क्या था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था दैट अगर दो इंटरप्रिटेशन एक ही स्टैट्यूट्स की पॉसिबल है, कोई एक लो है और उसकी दो इंटरप्रिटेशन निकल रही है, मीनिंग निकल रही है, तो हम उस मीनिंग को यूज करेंगे जिसका इस सेंटेंस में सूट कर रहा है, मतलब जो केस में सबसे ज्यादा सूट कर रहा है ना, मतलब बिल्कुल रिलेवेंट है, उस ही इंटरप्रिटेशन को हम वैलिडेट करेंगे, उसी को प्रेफर्ड करेंगे, है ना। द वन विच वैलिडेट द स्टैट्यूट मस्ट बी प्रेफर्ड। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम देखेंगे इंटरप्रिटेशन की जरूरत क्यों है, इस सब्जेक्ट की जरूरत क्यों है, और ये इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट क्यों माना जाता है। सो द मीनिंग ऑफ, देखो, नीड ऑफ इंटरप्रिटेशन, इसकी जरूरत क्यों है। तो देखो, हम जो लो होते हैं ना, लो हर टाइम पे इतना क्लियर नहीं होता, क्लियर होता तो हमें उसे इंटरप्रेट करने की जरूरत है, जैसा लिखा होता हम उसको समझ लेते हैं। ठीक है, पर हर बार ऐसा नहीं होता, कई बार हमें क्या होता है, डिस्प्यूट हो जाता है कोर्ट में, कि कोर्ट में ये हो जाता है कि फॉर एग्जाम्पल डिफेंडेड और प्लेंटिफ दोनों के लॉयर्स क्या बोलते हैं, ये इस सेंस में कहा गया है, नहीं ये इस सेंस में, कई बार कोर्ट भी कन्फ्यूज होता था कि इन इस लो को बनाने के पीछे का इंटेंशन क्या था, और बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिसके अंदर कोर्ट को भी देखना पड़ता है कि ये बनाया गया इसका इंटेंट क्या था, कॉन्टेस्ट क्या था, ये किस बेसिस पर रूल आया, किस चीज की दिक्कत के कारण ये रूल आया, तो ये सारी चीजों को देखना पड़ता है ताकि हम स्टैट्यूट जो लो है उसको अच्छे से इंटरप्रेट कर सके। तो इसी के लिए अब क्यों इसकी जरूरत पड़ती है इंटरप्रेट करने की, तो वो हम देखने जा रहे हैं। तो ये सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे फैक्टर्स जिसके कारण क्या होता है, हमें करना पड़ता है। तो कई बार क्या होता है, लो जो लिखा होता है ना, वो अब क्लियरली एक चीज को नहीं बता रहा, वो बहुत सारी चीजें कवर कर रहा होता है, ब्रॉड वे में होता है, ब्रॉड टर्म्स, है ना, तो उसके अंदर बहुत सारी पॉसिबिलिटीज आ जाती है। अब ये नहीं समझ में आता, बहुत सारी में ये वाली पॉसिबिलिटी आती है नहीं आती, तो ये छोटी ये सब चीजों के लिए यूज करते हैं, तो ब्रॉड टर्म हो तब यूज करते हैं। दूसरा, एम्बिग्यूटी, एम्बिग्यूटी मतलब कंफ्यूज, क्लियर नहीं हो, जो उसने बोला है पर उसकी बात क्लियरली नहीं समझ में आ रही है, जो एक्ट है उसको हम क्लियरली समझ नहीं पा रहे कि यहाँ पे इंटरप्रिटेशन स्टैट्यूट समझ में नहीं आ रहा उस चीज का, लो का क्या है, तो वहाँ पे हम इंटरप्रेट करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं, और वो इंटरप्रेट करते हैं बाकी फैक्ट्स निकाल के, ये जब लो बन रहा था तो किस चीज पे लो बना था, क्या क्या डिस्कशन हुआ था, तो अच्छा इस चीज से रिलेटेड है, ऐसे करके। ठीक है, तो ये जब क्लियर नहीं होता तब, अब आता है ड्राफ्टिंग एरर। अब क्या होता है, पार्लियामेंट में कई बार बिल बनता है, फिर बिल में रिफॉर्म्स होते हैं बहुत सारे, तो इसमें क्या होता है, एरर आ जाता है, जो कि क्या होता है, कई बार नोटिस नहीं करता पार्लियामेंट, क्योंकि कई बार क्या होता है, लाइकली टू अकर अ बिल हैज बीन अमेंडेड सेवरल, क्योंकि कई बार वो बिल जो है अमेंड हो चुका है ताकि बेटर बने, सब जितने भी एमपी है वो सब पास करे, तो वो क्या चाहते हैं, कुछ इंप्रूवमेंट होते होते, तो कई बार ड्राफ्टिंग के टाइम पे एरर आ जाता है, जो मिस हो जाता है, तो ये सब एरर क्या होते हैं, अब लो बन जाते हैं, तो लो में अब ये एरर को भी देख के चलेंगे हम, तो इसीलिए यहाँ पे इंटरप्रेट करते हैं कि किस सेंस में बना होगा ये, क्या है, तो क्या कहना चाहते होंगे पार्लियामेंट, तो इसीलिए यहाँ पे होता है। चौथा हमारे सामने, वर्ड में भी इनएडुकेट, फॉर एग्जाम्पल वर्डिंग में भी इनएडुकेट, तो कई बार कुछ वर्ड्स होते हैं ना, वो पूरा कंटेस्ट कुछ एरर कर देते हैं वर्डिंग्स, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, पहले रीड कर देते, देयर मे बी मेनी वेज इन विच द वर्डिंग मे बी इनएडुकेट, बहुत सारे तरीके जिससे वर्डिंग इनएडुकेट होती है, फॉर एग्जाम्पल प्रिंटिंग एरर, अब प्रिंटिंग में लो तो सही बना था, प्रिंटिंग में अलग गलत बन गया, बहुत सारे फिर उसके बाद जितने भी नेट पे डाल दिए गए, जहाँ पे भी एक्ट डाल दिए गए, और उन सब में प्रिंटिंग एरर हो गए, तो इसके कारण हो जाता है। अनदर एरर सच एज द यूज ऑफ वर्ड विच इज अ वाइड मीनिंग विच इज नॉट डिफाइंड, हाँ कई बार ऐसे वर्ड्स होते हैं जो वाइड मीनिंग होते हैं, जो हमने पहले में देखा था ब्रॉड टर्म्स में, तो यहाँ पे भी वाइड मीनिंग वाले टर्म्स यूज कर लेते हैं, तो कोई एक डिफाइंड नहीं होता, बहुत सारे हो जाते हैं, तो कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट आता है न्यू डेवलपमेंट, हाँ
न्यू टेक्नोलॉजी में मीन दैट द ओल्ड एक्ट ऑफ अ पार्लियामेंट डज नॉट एपरेंटली कवर द प्रेजेंट सिचुएशन. फॉर एग्जांपल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था तो उस टाइम पे बहुत कुछ कवर करता था, लेकिन आज के टाइम पे नए एटमोसफेयर नई चीजें खुल गई. फॉर एग्जांपल एआई आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी आ गई है, अटैक्स हो रहे हैं साइबर सिक्योरिटी ऑफ वर्ल्ड पर, बायोलॉजिकल वेपन्स आ गए, तो बहुत सारी नई नई चीजें आ गई हैं. तो अब इन सबको टैकल कैसे करेंगे, इनके पीछे क्या रूल होना चाहिए, लो होना चाहिए, तो इन सब चीजों को ना अब सपोज करो केस आ गया, तो हम ये तो बोल के नहीं छोड़ सकते कि ये नया केस है साइबर सिक्योरिटी का और हमारे ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है. तो कोर्ट को वहां पे इंटरप्रेट करना होगा और इंटरप्रेट करना होगा कॉन्स्टिट्यूशन को, उस एक्ट को, लॉ को, कि हम अच्छे से कर सकें. कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं, एक्ट को, सॉरी है. तो उस चीजों में वहां पे वो कोर्ट जजमेंट दे सके, कुछ ऐसा बोल सके कि नहीं गलत इज गलत, तो किस तरीके से वो इंटरप्रेट करता है. इंटरप्रिटेशन के पावर कोर्ट जुडिशरी के पास होती है, ठीक है. चेंज इन द यूज ऑफ लैंग्वेज. हाँ, अब कई बार हम पहले हिंदी बोला करते थे, संस्कृत होता था, फिर हिंदी हुआ, फिर इंग्लिश हो गया, और आगे जाके बहुत हद तक इंग्लिश हो जाएगा. तो टर्म्स का क्या होता है, कई बार ना जो टर्म्स होती है उनका सेंस टाइम के अकॉर्डिंग बढ़ता जाता है, और सेंस क्या क्या चीजें कवर करने लग जाता है. कई बार उस वर्ड का मीनिंग पहले कुछ होता था, अभी कुछ हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल कूल पहले ठंडा होता था, अब कूल मीन्स स्मार्ट का ऐसा कुछ होता है. स्मार्ट पहले हम इलेक्ट्रिक चीजों को बोलते थे, अब स्मार्ट इंटेलिजेंस को बोलते हैं, इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स को भी बोलते हैं. तो पहले गैजेट्स को बोलते थे, अब ह्यूमन बीइंग को भी बोलते हैं. तो बहुत सारे टर्म्स में भी चेंजेस आते हैं, तो इसलिए चेंज इन द यूज ऑफ लैंग्वेजेस भी होता है. नेक्स्ट आता है हमारे सामने सेवेंथ. हाँ, सर्टेन वर्ड्स नॉट यूज्ड. कई वर्ड्स नहीं यूज किए जाते हैं. Certain words not used. हाँ, कई बार ना certain words नहीं use किए जाते. The drafter may refrain from using certain word at that they regard as being implied. कई बार हो ना confusion हो जाती है कि किया है नहीं किया, तो उनको लगता है ये word नहीं use होगा और वो word use नहीं करते, पर बाद में उसके कारण कई बार confusion आ सकते हैं. तो वहाँ पे हमें interpretation की जरूरत होता है. Failure of a legislation to cover a specific point. हाँ, जब लो बन रहा था तो हमने उस specific point को किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, तो उसके ऊपर हमने इन्होंने cover ही नहीं किया. जब लो बन रहा था तो problem तो थी, उसी से related एक problem थी जो उस time पे नहीं समझ में आता, तो मतलब आया ही नहीं था, तो idea ही नहीं था कैसा हो सकता है. लेकिन बाद में ऐसा कोई case आ गया judiciary के सामने, कोई ऐसा case आ गया court में, तो वहाँ पे court क्या करेगा, उन केसेस को देखेगा, इंटरप्रेट करेगा और समझने की कोशिश करेगा कि यहाँ पे हम उसके रिलेटेड देना चाहते हैं जजमेंट तो कैसे दे. तो इन सब केसेस में भी कोर्ट के पास पावर होती है, वो जजमेंट इंटरप्रेट करके जजमेंट दे सकता है, ठीक है. तो वहाँ पे स्टैटिट्यूट्स का इंटरप्रेट हो जाता है. तो स्टैटिट्यूट मतलब लॉ होता है, इंटरप्रिटेशन मतलब उसको कैसे मीनिंग निकाले. तो ये जुडिशियरी का ही काम होता है, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैटिट्यूट्स, ठीक है. और किस बेस पे, लॉ और एक्ट पे जो लेजिस्लेशन एनएक्ट बनाता है. तो डिस्पाइट दिस सिचुएशन कुड अराइज दैट फॉर स्पेसिफिक कवर्ड. तो कई बार ये भी होता है कि आखिर स्पेसिफिक किस चीज, व्हाट व्हिच आर नॉट स्पेसिफिक कवर्ड. कई बार तो बनाया तो बहुत सारी चीज है, पर इसमें वो जो चीज है ना जो आजकल आ रही है वो चीज नहीं है, तो ये इसके कारण इंटरप्रेट करना पड़ता है. द क्वेश्चन देन इज वेदर द कोर्ट शुड इंटरप्रेट द लेजिस्लेशन सो एज टू इंक्लूड द सिचुएशन ओमिटेड. तो कई बार क्या होता है कि कोर्ट को इससे भी इंटरप्रेट करना पड़ता है, क्योंकि कई चीजें उसमें छूट गई, ओमिट हो गई है, भूल गया है कोर्ट को वो लेजिस्लेशन करते हो, तो वो चीजें भी इंक्लूडेड होनी चाहिए उस फील्ड में, तो इसके लिए करते हैं. दे शुड लिमिट द लेजिस्लेशन टू प्रिसाइज पॉइंट लिस्टेड बाय द पार्लियामेंट. तो कई बार क्या होता है ना, मतलब आप समझ ही गए शॉर्ट फॉर्म में बेसिक से लैंग्वेजेस है, तो इंटरप्रिटेशन का हो गया. अब हम एक बार देख लेते हैं मीनिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, ठीक है. तो स्टैट्यूट्स इज अ फॉर्मल रिटन इनएक्टमेंट ऑफ अ लेजिस्लेटर. हमने पहले इंटरप्रिटेशन का देखा था टू गिव मीनिंग टू, अब स्टैट्यूट्स के मीनिंग दी हुई है अ फॉर्मल रिटन इनएक्टमेंट ऑफ अ लेजिस्लेटिव अथॉरिटी दैट गवर्न्स अ सिटी. मतलब एक रिटन इनएक्टमेंट है, लेजिस्लेटिव अथॉरिटी बनाती है और वो गवर्न करता है किस चीज को, चलाता है स्टेट को, सिटी को और कंट्री को. तो वही है, लो भी ऐसे ही होता है, एक फॉर्मल रिटर्न होता है जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है. वैसे लो अनरिटर्न, कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटर्न भी हो सकता है, पर हमारा रिटर्न है. तो ये क्या होता है, रिटर्न स्टैट्यूट्स. साथ ही साथ क्या होता है, इसके अंदर लेजिस्लेटिव अथॉरिटीज होती है. लेजिस्लेटिव अथॉरिटी गवर्न अ कंट्री, जो कंट्री को कैसे चलाना ये बताते हैं, सिटी को बताते हैं, स्टेट को बताते हैं, इन सब लोगों को, इन सब चीजों को बताते हैं कि कैसे आपको चलना, आपका रूल है ये ऐसे. The statute commands or prohibit the statutes command or prohibit something or declare policy. तो statutes क्या होता है कि कमांड कर सकता है कि आपको ऐसा करना है, कई बार प्रोहिबिट कर सकता है कि आपको ऐसा नहीं करना है. तो ये जैसे लो है, आपको करने के लिए कुछ बोल भी सकता है कि हाँ ये हम सबकी ड्यूटी बनती है. साथ ही साथ ये आपको रिस्ट्रिक्ट करता है कि आप किसी दूसरे का राइट नहीं छीन सकते हो, तो ये प्रोहिबिट भी करता है. साथ ही साथ कुछ पॉलिसी भी बनाता है, डिक्लेयर पॉलिसी. द वर्ड इज ऑफन यूज्ड टू डिस्टिंग्विश लॉ मेड बाय द लेजिस्लेचर फ्रॉम द डिसीजन ऑफ कॉमन लॉ रेगुलेशन इश्यूड बाय द गवर्नमेंट एजेंसी. ये सब सिंपल ही है, आप इजिली समझ जाओ. और नोट्स बना रहे हो तो भाई बनाते जाना,
ताकि आपको भी अच्छे से समझ में आए. अ स्टैट्यूट्स इज अ विल ऑफ लेजिस्लेचर कन्वेड इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट. तो ये स्टैट्यूट्स क्या होता है, एक लेजिस्लेचर जो होता है जहाँ पे पार्लियामेंट के अंदर जब बिल बनता है, विल बनता है, इज अ विल, एक ना लोगों का एक इच्छा हुई थी कि ये लॉ बनाना चाहिए इस स्फीयर को कवर करते हुए ताकि इसके क्राइम्स बढ़ रहे हैं तो इसको हम अच्छे से टैकल करें, सॉल्व करें, तो इसीलिए स्टैट्यूट्स बनते हैं, लॉ ऐसे बनता है, तो ये स्टैट्यूट्स हो गया. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट यूज द टर्म स्टैट्यूट्स, और स्टैट्यूट वर्ड जो है वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, बट इट यूजेज द टर्म लॉ. पर क्या यूज करता है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ को. लॉ इंक्लूड्स एनी ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, बायलो, रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, कस्टम यूजेस हैविंग द फोर्स ऑफ लॉ. और ये जो जितनी भी चीज होती है, लॉ का मतलब है कि ये फोर्स होगा लॉ के थ्रू, लॉ के अंदर जो भी चीज करी हुई है तो वो फोर्सेबल है, अब कोई नहीं करता तो ही विल बी पनिश्ड, ही और शी विल बी पनिश्ड. Therefore, a statute is a will of legislature and Indian statute is an act of central and state. तो statutes क्या होता है, legislature बनाता है, और Indian statutes क्या है, center और state दोनों होते हैं, क्योंकि हमें पता है दोनों जगह हमारी विधानसभा, एक विधानसभा होती है और एक पार्लियामेंट होता है, तो दोनों जगह होता है. Statute includes act passed by the imperial and provincial. हाँ हाँ, ये तो हमारा law हो गया. अब statutes होता क्या है, ये तो हमने देखा law कितना हमारे इंडिया में law. Statute include होता है act, और वो एक्ट क्या होता है, जो कि इंपेरियल राजा महाराजा से, जैसे कि हो गया आपका इंग्लैंड, विक्टोरिया, तो वहां पे जब होता है तो उन सब जगहों पे ये सब प्रूव होता है, ठीक है. ये प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, प्री इंडिपेंडेंस, प्री इंडिपेंडेंस के टाइम पे भी हमारे देश में भी स्टैट्यूट्स थे, ठीक है, एज वेल एज रेगुलेशंस भी थे. स्टैट्यूट जनरली रेफर टू द लॉ ऑफ द लॉ एंड रेगुलेशन ऑफ एवरी शॉर्ट एंड एवरी प्रोविजन ऑफ लॉ व्हिच परमिट और परमिट द स्टैट्यूट्स आर जनरली क्लासिफाइड विद द रेफरेंस टू ड्यूरेशन, नेचर ऑफ ऑपरेशन, ऑब्जेक्ट, एक्सटेंट ऑफ एप्लीकेशन. हाँ, कहाँ पे अप्लाई होगा, स्टैट्यूट्स में भी ये होता है क्लासिफाइड कि वो कहाँ पे अप्लाई होगा, ड्यूरेशन कितने टाइम तक के लिए रहेगा. सपोज कोई टेम्प्रेरी है कि इतने से, जैसे 370 का था हमारा आर्टिकल 370, तो 370 का टाइम था कि जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट को लगेगा कि आप हटा देना चाहिए तो हटा सकती है, तो ये क्या था, ड्यूरेशन था उसका, वो टेम्प्रेरी था. द नेचर ऑफ ऑपरेशन, ये ऑपरेशन जो हो रहा है वो नेचर में कैसा है, ऑब्जेक्ट क्या है इसका, एक्सटेंट कहाँ तक बढ़ रहा है, कहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल पहले होता था जम्मू कश्मीर में, नहीं हो रहा, अब हो रहा है, तो ये सब चीजें भी ये कवर करता है हमारा. अब हम देखेंगे इसकी क्लासिफिकेशन, टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, तो कैसी कैसी होती है वो हम इन सब में देखने वाले हैं. Types of classification of statutes may be elaborated as follow. तो इस टाइप से हम क्लासिफिकेशन इसकी होती है, तो क्लासिफिकेशन तीन टाइप की होती है बेसिकली, ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, ड्यूरेशन के अंदर आती है परपिचुअल स्टेटस और टेम्प्रेरी स्टैट्यूट्स, ये भी स्टैट्यूट परपिचुअल स्टैट्यूट्स. अब इसमें होता क्या है कि कोई भी लॉ जो है वो तब तक रहेगा जब तक No time is fixed for its duration, जब तक उसको हटाया नहीं जाएगा, और 370 इसी में आएगा, ये जो है ना कि उसको तब तक वो रहेगा जब तक उसको हटाया नहीं गया, है ना, तो वो perpetual statutes में था. अब जो temporary है इसके 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 अंदर थोड़ा अलग होता है, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर भी जो है वो हटेगा लेकिन वो ऑटोमेटिक हट जाए, फॉर एग्जाम्पल 10 दिन के लिए ये रूल लगा है तो उसके बाद ऑटोमेटिक ये हट जाएगा, तो ये होता है temporary statutes में. ऐसे हमारे सामने और एक मिनट, हाँ ये हो गया, तो स्टैट्यूट्स टेम्परेरी स्टैट्यूट इसे कहते हैं. तो ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन क्लासिफिकेशन होते हैं, तीन टाइप की होती है. दूसरा हमारे सामने आता है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ऑपरेशन, क्लासिफिकेशन विद रेफरेंस टू नेचर ऑफ ऑपरेशन, इसमें भी प्रोस्पेक्टिव, रेट्रोस्पेक्टिव, डायरेक्टरी स्टैट्यूट्स, मैंडेटरी, ये चार होते हैं इसके अंदर, ठीक है. अब तीसरा आ जाता है अपना ये जो रेफरेंस टू ऑब्जेक्टिव, तो इसमें क्या, इनेबलिंग स्टैट्यूट्स, डिसेबलिंग, परमिसिव स्टैट्यूट्स, प्रोहिबिटरी स्टैट्यूट्स, कोडिफाइंग स्टैट्यूट्स, कंसोलिडेटिंग स्टैट्यूट्स, तो ये सारे हैं इसके अंदर के. करिलेटिव और वैलिडिटी स्टैट्यूट्स, रिपीलिंग स्टैट्यूट्स, अमेंडिंग स्टैट्यूट्स. अब आ जाता है हमारा इंटरनल एड ऑफ इंटरप्रिटेशन. अब इंटरनल एड क्या होता है, इंटरप्रिटेशन मीनिंग निकालने के लिए ना, आप कोर्ट खुद से तो मीनिंग नहीं निकाल देगा, क्योंकि कोर्ट वही एक्ट करता है, उन्हीं लॉ पे एक्ट करता है जो उसमें बने हुए हैं, उनके पास लॉ है ना, कोर्ट उन्हीं लॉ के ऊपर एक्ट करता है जो पार्लियामेंट में बने, तो कई बार उनके मीनिंग नहीं आती तो किस चीज की हेल्प लेता है वो हम पढ़ते हैं इसके अंदर. तो दो जगह से हेल्प लेता है, एक तो इंटरप्रेट करता है इंटरनल एड से, इंटरनल हेल्प लेता है, और दूसरे एक्सटर्नल. तो इंटरनल हेल्प के अंदर वो आ जाता है जो एग्जांपल, ये देखो यहाँ पे आपको और अच्छे से समझ में आएगा, देखो लाइन बाय लाइन हम चलते हैं आपको सब समझ में आ जाएगा. स्टैट्यूट जनरली मीन्स
लॉ और द एक्ट ऑफ लेजिस्लेटिव अथॉरिटी, ठीक है कि जो लेजिस्लेचर में बना हुआ है उसी लॉ या एक्ट उसी को हम स्टैट्यूट्स कहते हैं। अ जनरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन इज दैट द स्टैट्यूट मस्ट प्राइम फेसी बी गिवन देयर ऑर्डिनरी मीनिंग। और जनरल रूल क्या है स्टैट्यूट्स का कि जो इंटरप्रिटेशन है स्टैट्यूट्स का वो प्राइम फेसी मतलब पहले भी रीड करने के बाद अगर उसकी ऑर्डिनरी मीनिंग समझ में आ रही है और क्लियर है तो हमें वही मीनिंग लेके चलना है ना। इफ द वर्ड आर क्लियर साफ है फ्री फ्रॉम एम्बिग्यूटी मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं होता देयर इज नो नीड टू रेफर टू अदर मीन्स ऑफ इंटरप्रिटेशन तो उसको इंटरप्रेट करने की जरूरत है रीड करने के बाद ही आप समझोगे। बट इफ द वर्ड्स आर वोगे एम्बिग्यूस देन द इंटरनल एड मे बी शाउटेड फॉर द इंटरप्रिटेशन। लेकिन कुछ कन्फ्यूजन सा है थोड़ा नॉन क्लियर है फ्री नहीं है एम्बिग्यूटी से तब वहाँ पे हमें इंटरनल एड की जरूरत पड़ती है। पहले हम इंटरनल एड की हेल्प लेते हैं फिर एक्सटर्नल एड की। अगर इंटरनल एड भी हमारी कन्फ्यूजन नहीं दूर कर पाता लो से रिलेटेड तब हम ये इंटरप्रिटेशन का हम पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले इंटरनल एड लेते हैं कॉन्टेस्ट किस कॉन्टेस्ट में इस लॉ को लाया गया है ना। इफ द वर्ड ऑफ स्टैट्यूट्स आर एम्बिगस देन द कॉन्टेस्ट मस्ट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। तो हमें कॉन्टेक्स्ट को देखना है कि किस कॉन्टेक्स्ट में इस एक्ट को या इस लॉ को लाया गया था। द कॉन्टेक्स्ट इंक्लूड द प्रोविजन ऑफ स्टैट्यूट्स। अब इसके अंदर था प्रोविजन क्या है प्रीएम्बल क्या है एग्जिटिंग लॉ क्या है एग्जिटिंग जो लॉ है किस चीज से लीगल क्या क्या प्रोविजन है इसके अंदर इंटेंशन क्या थी intention ये important intention behind the meaning of the words and circumstances under which they from the framed must be considered। तो किस circumstances में कब हमें लगा था इसकी जरूरत पड़ी है। For example कोई केस ऐसा आया था जिसको इतना ज़्यादा इशू हो गया था तो उसके बाद आया था तो उस केस में क्या फैक्ट्स थे तो उसको एज ए इंटरनल एड ले सकते हैं। दूसरा टाइटल है ना ये कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही तो आप टाइटल देखो उस एक्ट का कि वो एक्ट बना किस चीज़ के लिए। फॉर एग्जाम्पल दिस इज नॉट एन पार्ट ऑफ अ इनएक्टमेंट ये इनएक्टमेंट का पार्ट नहीं है टाइटल लेकिन इट इज लीगली यूज। लेकिन टाइटल क्या होता है टाइटल के अंदर ही कोई चीज दिखी होती है तो टाइटल से भी आपको पता चलेगा कहना किस चीज के बारे में तो आप उन्हीं से कोरिलेट करो। आप जो टाइटल है ये बहुत सारे किस्म के होते हैं शॉर्ट टाइटल हो सकता है देखो लॉन्ग टाइटल हो सकता है शॉर्ट टाइटल हो सकता है। अब शॉर्ट टाइटल लॉन्ग टाइटल मतलब कैसे यहाँ पे अगर आप देखो तो क्या लिखा है प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट 1954 ठीक है यहाँ पे समझ में आ गया। दूसरा देखो An act to make provision for the prevention of adulteration of food दोनों सेम ही है पर ये क्या ये एक्ट पूरा इसको डिस्क्राइब कर रहा है ना। और ये भी बता रहा है कि ये पूरा का पूरा जो एक्ट है प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट दोनों के दोनों ये पूरा बता रहे हैं कि एडल्ट्रेशन ऑफ फूड को कैसे रोका जा सकता है उसके ऊपर एक्ट है। तो ये किस चीज़ से तो इसके अंदर जो भी प्रोविजन होंगे इसी से रिलेटेड होंगे तो हमें क्या होता है कई बार टाइटल भी कन्फ्यूजन दूर कर देता है ठीक है। तो ये लॉन्ग जो है उसको शॉर्ट में हमें लिखना है जितना हो सके यही बताएगा। यहाँ पे दो तीन छोटे छोटे केसेस दिए गए हैं ठीक है। और कई बार हमें शॉर्ट टाइटल्स भी होते हैं फॉर एग्जांपल देखो इंडियन पिनल कोड 1860 शॉर्ट टाइटल सीधा बता रहे हैं कि पिनल से इंडिया पिनल कोड है इंडिया के अंदर लागू होता है पिनल कोड है पनिशमेंट के ऊपर के बेसिस पे ठीक है। अब आता है प्रीएम्बल। कई बार क्या होता है कि ये सब जो ऊपर हमने पढ़े ये दोनों नहीं कर पाते क्लियर तो हम प्रीएम्बल पे शिफ्ट होंगे प्रीएम्बल पे देखेंगे। एक्ट स्टार्ट विद द प्रीएम्बल इज जनरली स्मूथ। जब भी एक्ट स्टार्ट होता है तो एक प्रीएम्बल होता है और प्रीएम्बल स्मॉल सा होता है ठीक है। द मेन ऑब्जेक्टिव एंड पर्पस ऑफ द एक्ट आर हाँ तो जो भी एक्ट बना है ना उसका एक प्रीएम्बल होता है उसका प्रीएम्बल में इसका इंटेंशन क्या है ये किस चीज के ऊपर रिएक्ट करेगा किस चीज को लेके आया गया तो इसका मेन इंटेंशन उसके अंदर ऑब्जेक्टिव उसके अंदर लिखा होता है कि किस लिए है ये है ना। तो हमें प्रीएम्बल भी देख के समझना होता है कि ये किस चीज के ऊपर एक्ट है उसको कैसे इंटरप्रेट करें तो यही चीज ये बताना चाहता है ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक काशी प्रसाद वर्सेस स्टेट द कोर्ट हेल्ड दैट इवन दो द प्रीएम्बल कैन नॉट बी यूज्ड टू डिफीट द इंडेक्टिंग क्लॉज ऑफ स्टेट इट कैन बी ट्रीटेड एज द की फॉर द इंटरप्रिटेशन। हाँ मतलब ये नहीं कि प्रीएम्बल से आप मीनिंग अलग ही निकाल दोगे नहीं नहीं ये आपकी मदद करेगा उसको समझने में है ना। लेकिन आप मीनिंग इसकी वही आएगी जो उसके अंदर रखा हुआ है ठीक है आप इसको समझने में मदद ले सकते हो। हेडिंग है ना अ ग्रुप ऑफ सेक्शन आर गिवन। अब हेडिंग क्या टर्म है ये हम देखेंगे। अ ग्रुप ऑफ सेक्शन कई बार क्या होता है जब सेक्शन ग्रुप में होते हैं ना तो उनको एक नाम दे दिया जाता है जैसे यहाँ पे देखो सेक्शन 378 से सेक्शन 441 ऑफ आईपीसी किस चीज से रिलेटेड है सॉरी सेक्शन ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी। तो ये सारा का सारा सेक्शन तो हमने क्या किया हेडिंग दे दिया ठीक है। हेडिंग आप रेफर टू द सेक्शन हेडिंग दे दिया जाता है तो इससे हमें पता चलता है कि इसके अंदर जो भी आएगा वो क्या आएगा सारा का सारा प्रॉपर्टी से रिलेटेड ही है तो कोई कन्फ्यूजन होगी तो हम अपने आप को क्लियर कर सकते हैं इसके इंटरप्रेट करके प्रॉपर्टी से रिलेटेड हम समझ सकते हैं। प्रीएम्बल अब यहाँ पे केस दिए हुए आपको अगर पढ़ना है ना एक मतलब आप कॉलेज के एग्जाम में कोई
कॉम्पिटिशन एग्जाम्स, तो आप ये छोटे छोटे जो केसेस बीच में आ रहा पढ़ते रहना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी कॉलेज के हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैं कॉलेज का स्टूडेंट हूँ, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। मार्जिनल नोट्स, एक मार्जिनल नोट्स भी हमारे एक्ट में होता है, तो उसको भी एज अ सोर्स ऑफ हम हेल्प ले सकते हैं इंटरप्रेट करने के लिए कि किस स्टैट्यूट्स को किस तरीके से बनाया गया था, ठीक है। पर वो स्टैट्यूट्स का पार्ट नहीं होता है, स्टैट्यूट्स का पार्ट नहीं होता, पर हम उसका इंटरप्रिटेशन समझने के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। प्रोविजो, ये भी हमें देखना होता है कि प्रोविजो जो है उसको भी हम मदद दे सकते हैं, और किस किस चीज के डेफिनेशन, देखो कोई भी एक्ट होता है तो उसकी डेफिनेशन लिखी होती है, ये एक्ट है किस चीज के लिए, है ना, इस एक्ट का काम क्या है, तो वो डेफिनेशन हम यूज कर सकते हैं समझने के लिए, ठीक है। द लेजिस्लेचर कैन ले डाउन लीगल डेफिनेशन ऑफ इट्स ओन लैंग्वेज, हर लीगल डेफिनेशन होती है उनकी अपने लैंग्वेज की, उसमें वो करते हैं कि इस स्टैट्यूट्स का लाने का मतलब क्या है, और बाइंडिंग कब होगी कोर्ट के ऊपर, इसके अंदर क्या पनिशमेंट, मतलब डेफिनेशन में बताते हैं ये है क्या, है ना, तो उससे भी बहुत ज्यादा मदद मिलती है इंटरप्रिटेशन करने में। अब आता है कंजेक्शन एंड डिसजक्शन, डिसजक्टिव वर्ड्स, कंजेक्टिव एंड डिसजक्टिव वर्ड्स, तो ये क्या होते हैं, एंड जो वर्ड होता है ना ये क्या होता है, जोड़ता है, जैसे राहुल और राहुल एंड श्याम वेंट टुगेदर, तो ये क्या हो गया, राहुल और श्याम को जोड़ दिया। और हम जब बोलते हैं तो ये क्या होता है, ऑप्शन देता है, वुड यू लाइक टू हैव टी और अ कॉफी, है ना, तो इसे डिसजंक्टिव कहते हैं, और इसे कंजक्शन वर्ड पढ़ा होगा आपने कंजक्शन ग्रामर में, तो ये होता है एंड जोड़ने के लिए, और डिसजंक्टिव तोड़ने के लिए, ठीक है। तो इन सब वर्ड को हम इंटरचेंज करके भी मदद देख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, द वर्ड एंड कैन बी रेड एज और कैन बी रेड एज एंड, तो लो में अगर आप पढ़ रहे हो ना एंड, तो कई बार उसको और की तरह भी आप पढ़ सकते हैं, और को एंड की तरह भी। नेक्स्ट आता है हमारे सामने जेंडर, तो अब जब जेंडर का मतलब क्या है, इसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे, फॉर एग्जाम्पल यूजिंग मैस्कुलिन जेंडर इज डीम्ड टू बी, कई बार हर जगह लिखा होता है ना ही और शी, ही लिख दिया जाता है, तो इसका मतलब वो नहीं सिर्फ ही पे, वो शी पे भी लागू होगा, वही चीज यहाँ पे लिखी है, ठीक है। जैसे मैस्कुलिन जेंडर का कोई चीज लिखा हो तो फीमेल पे भी होगा। पंचुएशन मार्क, पंचुएशन मार्क्स इज डिसरिगार्डेड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ स्टैट्यूट, तो जब कोई स्टैट्यूट कोई लो बनाया जाता है तो उसमें पंचुएशन मार्क का डिसरिगार्ड, मतलब इतना इंपॉर्टेंस नहीं रखा जाता, क्यों नहीं रखा जाता, क्योंकि पंचुएशन से मार्क बदल सकता है, फॉर एग्जांपल कुछ लिखने के बाद आपने फुल स्टॉप लिख दिया पनिशमेंट का, इट सीम्स लाइक इज अ डेथ पेनल्टी, पर ऐसा नहीं होता, तो बहुत सारी चीजें पंचुएशन को अवॉइड किया जाता है। जनरल देयर इज नो पंचुएशन स्टैट्यूट फ्रेम्स इन इंग्लैंड बिफोर, हाँ, तो जो क्या होता था ना कि जो भी इंग्लैंड में स्टैट्यूट्स बनता था, क्योंकि वहाँ पे राजा है तो वहाँ पे लो नहीं, स्टैट्यूट्स बनता था, ठीक है ना, लो नहीं वहाँ पे स्टैट्यूट्स होता था, तो कब होता था, 1849 से पहले, तो तब वहाँ पे क्या होता था, पंचुएशन मार्क्स को अवॉइड किया जाता था, नहीं यूज किया जाता था, ठीक है। पंचुएशन के क्या होता है, ये कंट्रोल नहीं कर सकता, मतलब ये मीनिंग चेंज नहीं कर सकता, पर मॉडिफाई कर देता है आपके सिंपल मीनिंग जो आ रही है उसको डिफिकल्ट कर देता है। एक्सप्लेनेशन, कई बार उसकी एक्सप्लेनेशन दी होती है, तो हमें जैसे एक्ट कोई लिखा हुआ है तो कोई लो लिखा हुआ है, कोई सेक्शन लिखा है, तो उसके नीचे एक्सप्लेनेशन दी होती है कि ये क्या है, किससे रिलेटेड, तो उसको हम देख सकते हैं एज ए इंटरप्रिटेशन। और भी हम बहुत सारी जगह से देख सकते हैं, जैसे एक्सेप्शन, क्या एक्सेप्शन है, कहाँ पे इसको छोड़ सकते हैं हम, इस सेविंग क्लॉज क्या क्या, इन सब चीजों में भी हमारे बहुत हद तक इंटरप्रिटेशन मदद करता है, ठीक है। नेक्स्ट शेड्यूल्स, ये भी हमारे मदद करते हैं, देखो शेड्यूल फ्रॉम अ पार्ट ऑफ अ स्टैट्यूट, कोई स्टैट्यूट्स है जिसको हम इंटरप्रेट कर रहे हैं, तो उसका शेड्यूल भी बहुत एंड करता है कि किच मीन माइनर डिटेल फॉर द वर्किंग और द प्रोविजन एक्सप्रेस इनएक्टमेंट द एक्सप्रेशन इन द शेड्यूल कैन नॉट बी ओवरराइड द प्रोविजन एक्सप्रेस, हाँ, तो ये पूरा जो डाउट है हमारा उसको क्लियर कर देता है। तो ये ऑलमोस्ट आप जान लो कि कौन कौन सी चीजें होती है, इलस्ट्रेशन ये तो पूरा बता ही देता है, आपको क्लियर कर देता है, और मीनिंग ऑफ द वर्ड्स, द डेफिनेशन ऑफ द वर्ड्स गिवन मस्ट बी कंस्ट्रक्टेड इन द पर्पस पॉपुलर सेंस, था तो जो भी वर्ड है ना उसके हमें उस सेंस में जो ज्यादातर लोग यूज करते हैं उस सेंस में हमें देखना है। इंटरनल एड टू कंस्ट्रक्ट इट इज इंपॉर्टेंट फॉर इंटरप्रिटेशन, तो इंटरप्रिटेशन के लिए जो इंटरनल एड है ये बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले हम इंटरनल एड ही करते हैं, फिर हम जाते हैं नेक्स्ट पे एक्सटर्नल एंड एक्सटर्नल एड टू इंटरप्रिटेशन, अगर इन सबसे भी इंटरनल एड से हमें हेल्प नहीं मिलती है फिर हम लेते हैं एक्सटर्नल एड से हेल्प, ठीक है। तो अब एक्सटर्नल एड से हेल्प कैसी होती है तो वो हम देखते हैं आगे। इंट्रोडक्शन, तो व्हेन इंटरनल एड आर नॉट एडिक्वेट द कोर्ट हैज टू टेक रिकोर्स टू एक्सटर्नल एड, हाँ, तो जब इन जो इंटरनल एड्स जो है हमारे सामने जो अभी हमने सारे देखे प्रोविजन ये मीनिंग डेफिनेशन सब, तो जब ये भी ना कर पाए क्लियर है ना ये एडिक्वेट ना पूरा अच्छी से ना, तो हम एक्सटर्नल एड की हेल्प लेते हैं, ठीक है। अब एक्सटर्नल एड होता क्या है, तो देखो एक्सटर्नल एड आर वेरी पावरफुल टूल फॉर इंटरप्रिटेशन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टैट्यूटरी प्रोविजन, तो कोई मीनिंग डिराइव करने के लिए बहुत ही पावरफुल टूल है। एज अपोज टू इंटरनल एड टू कंस्ट्रक्शन देयर आर सर्टेन एड्स, अब
ये इंटरनल एड को कंटेन करने के कुछ है ना। सच एड विल इंक्लूड पार्लियामेंट्री हिस्ट्री। हाँ, तो एक्सटर्नल एड के लिए अगर करना, इंटरनल एड के लिए तो आपने कुछ कंस्ट्रक्शन देख लिया, एक्सटर्नल एड का करना हो तो आप पूरा स्टैट्यूट्स का देखेंगे कि बिगनिंग से देखने लग जाते हैं कि ये क्यों आया था, इसका हिस्ट्री क्या है, क्या बेसिस है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, सच एड विल इंक्लूड, और ये जब हम हेल्प लेंगे एक्सटर्नल तो इसके अंदर क्या था, पार्लियामेंट की हिस्ट्री क्या थी, उस हिस्ट्री को, इस लेजिस्लेशन को बनाने के लिए लॉ जो बना रहे थे तो हिस्ट्री के फैक्ट्स क्या थे, इसको लेने के से पहले पहले क्या, इससे पहले कौन सा लॉ था, इससे रिलेटेड जो इतना अच्छा नहीं था, नीड को पूरा नहीं करता प्रेजेंट की और ना फ्यूचर को भी, हम देख रहे थे प्रेजेंट को भी नीड करे और थोड़ा फ्यूचर में भी काम आए, तो वो नहीं पूरा कर रहा था, तो वो किस चीज से रिलेटेड था, उसके बाद कौन से रिफॉर्म्स आए हैं, किस चीज को कवर करने की कोशिश करी है, सराउंडिंग सर्कमस्टेंसेस उस टाइम पे दौरान कैसा था कि इस लॉ को फोर्स हुआ कि हम इसे अपडेट करें, तो वो देखे जाएंगे। स्टैट्यूट्स कम टू एन इनएक्टमेंट, रेफरेंस टू अदर स्टैट्यूट्स और भी बाकी स्टैट्यूट्स देखेंगे, यूज ऑफ डिक्शनरी, यूज ऑफ फॉरेन डिसीजन, फॉरेन डिसीजन है कि क्या चीज़ इसमें हमारे लॉ जो चेंज हुआ है इफेक्ट किया है, ठीक है, तो वो हम इंटरप्रिटेशन में देखेंगे, ठीक है। तो ये तो हमने एक इंट्रो देखा था कि एक्सटर्नल एड में क्या होता है, अब हम एक प्रॉपर डिटेल के साथ देखेंगे। तो पहला आता है हमारे सामने पार्लियामेंट्री हिस्ट्री, हिस्टोरिकल फैक्ट्स और सराउंडिंग सर्कमस्टेंसेस। हाँ, तो अब हिस्टोरिकल एड क्या होता है ना, किससे हमें पता चलेगा कि ये जो लो है पहले कौन सा रूल था, है ना, कुछ तो रूल होगा कि क्या है, लो होगा कैसे रिलेटेड, वो जरूरत पूरी नहीं कर पाएगा, उसमें बहुत कमी होगी, तो उसमें से ही कुछ बना है तो वो हिस्ट्री थी, है ना, तो वो हिस्ट्री में आ गई कि वो हमारे पास पहले क्या रूल था, फिर उस रूल को हमने कैसे रिफॉर्म किया, उसमें क्या क्या और हमने चेंजेस लिया, पार्लियामेंट में क्या क्या डिस्कशन हुआ, पार्लियामेंट ने क्या क्या चीजें, और उस टाइम पे क्या क्या दौरान पे घटनाएं हो रही थी जो हमें न्यूज में मिल रही थी या समाचार में मिल रहा था कि उससे रिलेटेड हमें लॉ लाने का पड़ गया। हिस्ट्री कैन नॉट बी हिस्ट्री सेटिंग हिस्टोरिकल सेटिंग कैन नॉट बी यूज्ड एज एन एड इफ द वर्ड्स आर प्लेन एंड क्लियर। हाँ, हिस्टोरिकल एड का हम इजीली नहीं लेते हैं, जब हमारे पास बिल्कुल ही सोर्स नहीं और हमें बहुत कंफ्यूजन आ रही है तब हम लेते हैं, अगर प्लेन और क्लियर हमें पता चल रहा है कि इसके कारण आया था तब हमें कोई जरूरत नहीं है। If the wording are ambiguous, the historical setting may be considered in the aid to arrive at a proper construction. लेकिन जब जो wordings हैं external aid, internal aid में बिल्कुल भी नहीं है तो हम historical facts में ले सकते हैं। For example, parliament में हमने देखा तो उसमें clear नहीं है, तो हम historical देख सकते हैं कि किस basis पे आया, इसका history क्या है, ठीक है। historical setting covers, अब historical setting मतलब इसका इतिहास क्या है लो का, तो इसके अंदर आ जाता है आपका parliament में क्या बहस हुआ था, हिस्टोरिकल फैक्ट्स क्या क्या थे, स्टेटमेंट क्या थे, ऑब्जेक्ट्स के रीजन क्या था, रिपोर्ट क्या था, एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई थी ना कि आप एक साइबर सिक्योरिटी पे बनाओ, कमेटी बनाई जाती है कभी किसी चीज पे लॉ बनाना होता है, जैसे ओडीटी पे गया है तो वो कमेटी क्या लेके आई थी, उसकी रिपोर्ट क्या थी, क्या एक्सपर्ट कहना चाहते थे पार्लियामेंट्री, तो ये आप उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा है ये सब। पार्लियामेंट्री हिस्ट्री मीन्स द प्रोसेस बाय विच एन एक्ट वॉज इनएक्टेड, तो पार्लियामेंट की हिस्ट्री क्या थी, क्या हुआ था तो फिर ये बना था। दिस मीन्स That conception of an idea, drafting idea क्या था इस लॉ को बनाने के, drafting bill को कैसे draft किया था, debate कैसे हुई थी, amendment क्या proposed की गई थी, ये सारी चीज़ें। speech made in favor of a bill, speech क्या बनाई गई थी कि इस लॉ को क्यों लाया गया, तो इसके क्या plus point थे, क्या क्या इसके negative points लाने गए थे, तो इससे हमें क्या contest पता चल जाएगा क्या बता रहे हैं external aid से, तो ये सारे आ जाते हैं हमारे external aid में, ठीक है। अब before cabinet meeting से क्या decision हुआ था, introduction से पहले ये सब चीजें दिख रही, देखो before the cabinet was to the decision for the introduction of bill, क्या चीज आई थी जो लाना पड़ा, external circumstances क्या थे, which was enacted, it should also be taken into note that it cannot be understood that the statute is a question was intended to alter the law, leave it when it stood, है ना, तो क्या है ये पूरा फैक्ट्स इसमें बताते हैं। हां, द स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव रीजन एज टू व्हाई द स्टैट्यूट इज बीइंग ब्रॉट टू द इनएक्टमेंट। हां, तो अब क्या होता है, स्टेटमेंट ऑब्जेक्शन जब होते हैं ना कि इसको क्यों लाया गया, ये बहुत कैन बी ऑल्सो वेरी यूजफुल फॉर द फैक्ट एंड रिसर्च फॉर द हिस्टोरिकल फैक्ट्स। हिस्टोरिकल फैक्ट्स मतलब कि जब पीछे जा रहे तो क्या बेसिस है इसका लाने का, इसमें बहुत मदद करता है। तो ऑलमोस्ट आप इन सब में देखोगे एक ही बात को घुमाया जा रहा है कि उसके पीछे हम एक्सटर्नल सोर्स में आ जाता है आपका पार्लियामेंट की क्या क्या चीजें थी, कमेटी क्या लेके आई, इस लोगों को किस चीज की दिक्कत होती तो ये लोग लाने गए। अब क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट, देखो यहाँ पे एक और चीज लिखी हुई है, सुप्रीम कोर्ट इज अ नंबर ऑफ केसेस रेफर टू द डिबेट कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसे बहुत सारे केसेस है जिसके अंदर उन्होंने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन में डिबेट हुई थी, तो उन्होंने इन सब चीजों असेंबली में देखा है और फिर इंटरप्रेट किया है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को, है ना, इंटरप्रेट किया है कॉन्स्टिट्यूशन। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक केस दिया है रिसेंटली का है, यह है कोर्ट इन सीआर चौधरी वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में
2000 के स्टेटेड दैट इज अ सेटलमेंट पोजीशन दैट डिबेट इन द कॉन्स्टिट्यूशन एज इन मे बी रिलाइड अपॉन एज एन इंटरप्रेटर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन बिकॉज इट इज अ फंक्शन ऑफ अ कोर्ट टू फाइंड आउट द इंटेंट ऑफ अ फ्रेमर्स ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन. हाँ, तो इसके अंदर ये कहा गया कि ये जो फ्रेम कर रहे हैं उनकी ये ड्यूटी है कि वो ये पता करें कि इंटेंशन क्या थी जो फ्रेमर्स है कॉन्स्टिट्यूशन की, जो लॉ बना रहे हैं उनकी इंटेंशन क्या थी पता करने के लिए. तो ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है हम कर सकते हैं क्योंकि हमें क्या करना है लॉ बनाने के पीछे का लॉ कंफ्यूज कर रहा है, तो लॉ बना क्यों था हमें उनसे पता चल जाएगा. सपोज करो अब ये जो हुआ था तो सब कुछ वहां पर रिटर्न में होता था, हम वो फैक्ट्स दे सकते हैं डिबेट में किसने क्या कहा था किसको क्या कमिटी दी गई थी, तो सबके हम देखने के बाद हम क्लियर पॉइंट पे आ जाते हैं. तो इसी के लिए ये सारी चीजें बनाई गई थी. अब हम देखते हैं यहाँ पे दूसरा क्या है, सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिकल इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड साइंटिफिक इनोवेशन. अ स्टैट्यूट्स मस्ट बी इंटरप्रेटेड टू इंक्लूड सर्कमस्टेंसेस एंड सिचुएशन व्हिच वर अननोन और डिड नॉट एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ इनएक्टमेंट ऑफ अ स्टैट्यूट्स. तो स्टैट्यूट्स को इंटरप्रेट करके हम क्या होता है सर्कमस्टेंसेस के और सिचुएशन के अंदर देखेंगे कि ये कैसे कवर करे, है ना, ताकि एग्जिस्टिंग नई नई सिचुएशन प्रॉब्लम्स आए, जैसे साइबर सिक्योरिटी हमें चाहिए क्योंकि साइबर क्राइम्स बहुत बढ़ रहे हैं, AI के प्रोटेक्शन चाहिए क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आजकल हर जगह आ रहा है. तो बहुत सारी चीजों में हमें अब नए कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, तो उसी के लिए हमें इंटरप्रेट करना पड़ता है. चेंज इन द सोशल कंडीशन. अब देखो सोशल मतलब क्या है, यहाँ पर सोशल बताया गया है कि जो हम रहते हैं रहन सहन हमारा चेंज हो चुका है, पॉलिटिकली भी हम चेंज हो चुके हैं, इंटरनेट ग्लोबली कनेक्टेड है, तो हमारा क्या अब हमारा जो पॉलिटिकली एम्पायर इतना नहीं है इंडिया जूरिस्डिक्शन, अब टेक्निकली जो साइबर सिक्योरिटी उसका पूरे उसमें आ गया. अब हम इकोनॉमिक भी हो रही है तो व्हाइट कॉलर क्राइम और भी बहुत सारी चीज़ें राइज कर रही हैं, तो उसमें भी इंटरप्रिटेशन. अब साइंटिफिक इनोवेशन जो AI है ना, और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे स्पेस में जा रहे हैं मून पे, तो कोई ये है कि बाहर का हमारा रूल है, हमारा एयर स्पेस भी पूरा सिक्योरिटी है तो उसके रूल्स अलग है, तो सब इंटरप्रेट करने की बात को कहा गया है. अब आता है हमारे सामने केस लॉ, SB गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, AIR 1982 सुप्रीम कोर्ट 149. ठीक है, द इंटरप्रिटेशन ऑफ एवरी स्टेट्यूटरी प्रोविजन मस्ट कीप पेस विद द चेंजिंग कॉन्सेप्ट. हाँ, इंटरप्रिटेशन क्या होता है, चेंजिंग कॉन्सेप्ट के अपडेट होना चाहिए उसके अंदर, लॉ के अंदर अपडेट होना चाहिए ताकि वो इंटरप्रेट करके मीनिंग निकाल सके. द वैल्यू इट मस्ट बी एक्सटेंड टू द लैंग्वेज परमिट रदर देन इट्स नॉट प्रोहिबिट. और वो लैंग्वेज को परमिट करे कि आप इंटरप्रेट कर सकते हैं, ना कि प्रोहिबिट करे. प्रोहिबिट करे तो क्या होगा कि जो लॉ लिखा है वही, और उससे हल्का भी इधर उधर का केस आ गया तो उसमें नहीं कर पाएंगे, लेकिन इंटरप्रेट के थ्रू हम कर सकते हैं. रेफरेंस टू अदर स्टैट्यूट. अब ये दोनों तो हमने देख लिया, एक सोशल पॉलिटिकल वाला और एक दूसरा वाला पार्लियामेंट और हिस्ट्री वाला, लेकिन इनकेस और हम कैसे कर सकते हैं. तो देखो इन केस वे टू एक्ट्स हैव टू बी रेड टुगेदर, जहाँ पे दो एक्ट्स हैं उनको एक साथ पढ़ना है, देन ईच पार्ट ऑफ एवरी एक्ट हैज टू बी कंस्ट्रक्टेड इंटरप्रेटेड इन द कंपोजिट वन. तो इनको एक की तरह ही हम पढ़ेंगे दोनों को, पर उनको एक एक करके कंबाइन करके देखेंगे. देर आर सम क्लियर डिस्पेंसिव देन द लेटर वन वुड बी मॉडिफाइड द अर्लियर, दिस इज सिंगल प्रोविजन दैट द वन एक्ट टू बी एडेड अनदर वन. तो ये यही बता रहे हैं कि आप दो कहीं पे दो है तो उसको आप एक ओरिजिनल करके देखेंगे, इस टाइप की चीजों को ये बता रहा है. रेफरेंस टू अदर स्टैट्यूट, हम बाकी लो जैसे दो लो है तो उनको एक साथ जोड़ के देखेंगे, तो इस टाइप के प्रोविजन को ये बताता है. अब इसके अंदर आप देखते हैं अदर स्टैट्यूट में क्या क्या चीजें होंगी. तो ये देखो यहाँ पे क्या है, डिक्शनरी के भी मीनिंग हम ले सकते हैं. द वर्ड इज नॉट डिफाइंड इन द स्टैट्यूट इटसेल्फ. अब क्या होता है, ये जो वर्ड्स होते हैं ना कई बार स्टैट्यूट्स डिफाइंड नहीं होते हैं लॉ के, मतलब लॉ में कोई टर्म्स यूज किए वो नहीं डिफाइंड है, तो हम बाहर से हेल्प ले सकते हैं. ठीक है, और इसके अंदर हम स्कीम कंटेस्ट और लेजिस्लेटिव हिस्ट्री ये सब देख सकते हैं. ठीक है, ताकि हम क्या कर सकें, मीनिंग दे सके वर्ड्स को कि इन वर्ड्स की मीनिंग क्या है यहाँ पे. और जुडिशियल डिसीजन, सपोज करो इस केस में लास्ट टाइम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया था, तो उसको हम वैसे केसेस आएंगे तो वहाँ पे देख सकते हैं. सपोज करो मतलब एक सिंपल वर्ड में बताऊं तो कोई नया स्पेयर है वहां पे कोर्ट ने कवर नहीं किया है और हमारे पास कोई लॉ भी नहीं है. ठीक है, जैसे AI का कोई आ गया, हमारे पास लॉ नहीं है, तो कोर्ट क्या करेगी, साइबर सिक्योरिटी में देखेगी इसमें कैसे कवर्स कर सकते हैं, तो ये सब इंटरप्रेट करके वहां पे कोशिश करेगी लॉ लगाने की. तो वही बात कर रहे हैं हम यहाँ पे. ठीक है, और भी बहुत सारे मटेरियल फैक्टर जैसे सुप्रीम कोर्ट यूज इन्फॉर्मेशन अवेलेबल ऑन इंटरनेट, कई बार वो इंटरनेट पे यूज जानकारी को यूज करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑफ जैसे रामलाल वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान. तो ये सब आप पढ़ सकते हो. अब हम पढ़ने वाले इंटरप्रिटेशन का रूल, मतलब इंटरप्रेट कर रहे होते हैं एक रूल होता है और ये रूल्स यूनिफॉर्म होते हैं, सबको फॉलो करने होते हैं ताकि हम करेक्ट कर सके. कोई भी कर रहा तो उसको एक रूल तो होगा ना, ताकि सब एक जैसा करें. तो रूल इज अ यूनिफॉर्म एंड एस्टेब्लिश्ड कोर्स ऑफ थिंग्स. हाँ, तो एक क्या है, रूल एक ढंग का हो और एक टाइम तक एक मतलब कि एक प्रॉपर यूनिफॉर्म हो सबके लिए, एक बस इतना है. इट इज डेट विच इज प्रिस्क्राइब और लेड डाउन ऑन द गाइड फॉर द कंडक्ट और एन एक्शन. और ये क्या बताएगा कि कोई
गाइड देगा कि क्या चीज करनी है, कैसी करनी है, गवर्निंग डायरेक्शन फॉर द स्पेसिफिक पर्पस, तो कोई चीज करना है तो उसको किस तरीके से करना है उसका एक स्पेसिफिक पूरा एक्यूरेट स्पेसिफिक मतलब उसमें अच्छे से बताएगा। अथॉरिटेटिव इनेक्टमेंट, रेगुलेशन, प्रिस्क्रिप्शन, प्रिसेप्ट, ये सारे क्या है इंटरप्रिटेशन का बता रहे, ठीक है। इट शुड नॉट रिमेंबर इट शुड बी रिमेंबर दैट दीज रूल्स आर रूल ऑफ प्रैक्टिस एंड नॉट द रूल ऑफ लॉ। हाँ, ये रूल ऑफ प्रैक्टिस है, रूल ऑफ लॉ नहीं है, तो लॉ सबसे ऊपर है, ठीक है ना। ये हम प्रैक्टिस करें कि उन लॉ को कैसे समझे और बाकी में अप्लाई करें, ठीक है। बाकी आप डिटेल में पढ़ते रहना अगर आपको और ज्यादा डिटेल में पढ़ना है तो। ये आपके वो अब इंटरप्रिटेशन के लिए दो किस्म होते हैं, टाइप होते हैं। पहला क्या है, लिटरल इंटरप्रिटेशन। अब इसमें क्या होता है लिटरल इंटरप्रिटेशन में, देखो पहले तो हम देख लेते हैं यहाँ से, दो किस्म के होते हैं ये, ठीक है। पहला आ जाता है लिटरल इंटरप्रिटेशन, फिर लॉजिकल इंटरप्रिटेशन, ठीक है। ये आ गया हमारा पहला लिटरल इंटरप्रिटेशन, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है लिटरल इंटरप्रिटेशन किसे कहते हैं, देखो गिविंग वर्ड देयर ऑर्डिनरी एंड नेचुरल मीनिंग, इसको लिटरल इंटरप्रिटेशन मतलब सिंपल में जो वर्ड है उसकी जैसे नॉर्मल मीनिंग निकल रही है ऑर्डिनरी, उसको हम लिटरल इंटरप्रिटेशन कहते हैं, ठीक है। और लिटरल लैंग्वेज भी कहते हैं, इन दोनों में से कोई भी आप एक बोल सकते हो, ठीक है। इट इज अ ड्यूटी ऑफ अ कोर्ट नॉट टू मॉडिफाई द लैंग्वेज ऑफ अ एक्ट, और ये जुडिशरी की ड्यूटी बनती है कि वो मॉडिफाई ना करे, मतलब लॉ को चेंज ना कर दे, लॉ को वही ले इसको इंटरप्रेट करे। इंटरप्रेट और मॉडिफाई दोनों अलग अलग, मॉडिफाई में आप लॉ ही बदल देते हो पर इंटरप्रेट में आप उसको समझते हो और बाकी स्पेस एरिया को उसके अंदर देखते हो कि आता है या नहीं आता, ठीक है। इट इज सच दैट क्लियर, हाँ। और ये कब होगा, जब आप उसको सेम एज इट इज उसको नेचुरल मीनिंग में लोगे, ऑर्डिनरी सेंस में, जब उसकी मीनिंग क्लियर हो और अनएम्बिगुअस हो, ठीक है। द आइडिया बिहाइंड सच अ प्रिंसिपल इज दैट द लेजिस्लेचर एंड बीइंग द सुप्रीम लॉ बीइंग द बॉडी मस्ट बी इंटरप्रेटेड इन द वर्ड ऑफ स्टैट्यूट्स, ठीक है। क्योंकि ये सुप्रीम जो कोर्ट होता है ना, जो कोर्ट है वो एक लेवल पावरफुल है, बट वो किसके बेसिस पे काम करता है, लॉ के, है ना। लॉ जो है उसी को वो जज करेगा, उसके अकॉर्डिंग नहीं है तो वो पनिशमेंट करेगा, है ना, किसी ने वायलेट किया होगा तो। लॉ लेजिस्लेचर बताता है, बनाता है, और जुडिशरी का काम जुडिशरी कर रहा है, लेजिस्लेचर कोई दूसरे काम में इंटरफेयर नहीं कर रहा, ना ना, ये ध्यान रखें। लिटरल इंटरप्रिटेशन हैज बीन द सेफेस्ट रूल बिकॉज लिटिगेशन टेंड कैन बी रिड्यूस्ड, हाँ। अब जो लिटरल इंटरप्रिटेशन है ये सबसे सेफेस्ट होता है क्योंकि इसके अंदर कोई वो नहीं होता कि मीनिंग ही चेंज हो जाएगी, लॉ ही चेंज हो जाएगा, नहीं। क्योंकि हम क्या करते हैं, जिस सेंस में पहले उसी सेंस में हम देखते हैं, अगर सिंपली अगर वो चीज़ समझ में आ रही है एक ही बार देख के, पढ़ के समझ में आ रही है, बिना उसकी मीनिंग इंटरप्रेट करने की जरूरत ही नहीं शुरू में यार, तो उसको हम ऐसे देते हैं। द बेयर वर्ड्स ऑफ अ एक्ट मस्ट बी कंस्ट्रक्टेड टू गेट द मीनिंग ऑफ द, मतलब जो वर्ड्स लिखे हैं उसको हम कंस्ट्रक्टिव सेंस में लेंगे और जो मीनिंग निकल रही है उसको वैसे ही देखेंगे। वन नीड नॉट प्रोब इनटू द इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर, और हमें फिर इसमें इंटेंशन देखने की जरूरत नहीं है लेजिस्लेचर की। द एलिमेंट्री रूल ऑफ कंस्ट्रक्शन इज दैट लैंग्वेज मस्ट बी कंस्ट्रक्टेड इन ग्रामेटिकल लिटरल सेंस, हेंस टर्म्स इज द लिटरल डेज और लिटरल ट्रांसक्रिप्ट, इसलिए इसका नाम, देखो इससे हमें ग्रामेटिकल में जो ग्रामर में उसका सेंस निकल रहा है, जैसे इंग्लिश में है तो इंग्लिश में, हिंदी पढ़ रहे हो तो आप हिंदी लो में, जो उसका सेंस समझ में आ रहा है उसी तरह हम देखेंगे, ठीक है। इसलिए इसका नाम ही पड़ गया लिटरल लैंग्वेज, मतलब सीधे नाम से सिंपली आपको पढ़ना है लिटरल स्क्रिप्ट, जैसा है वैसा ही, ठीक है। अब दूसरा हमारे सामने आता है, इसी के अंदर एक आता है लिटरल में गोल्डन रूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गोल्डन रूल, है ना। गोल्डन रूल क्या होता है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे पढ़ते हैं, इसको गोल्डन रूल है, पर इसको ज्यादातर ऐसे लोग बोलते हैं गोल्डन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन, क्योंकि इंटरप्रिटेशन का रूल है। तो गोल्डन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन क्या होता है, गोल्डन रूल ये बोलता है कि जिस तरीके से सबसे पहला ये जो स्टैट्यूट जो है ना, इंटरप्रिटेशन का रूल गोल्डन रूल कहते हैं कि स्टैट्यूट जो है उसको हम सबसे पहले प्राइम फेशली वैसे ही पढ़ेंगे जैसा वो है, उसकी ऑर्डिनरी मीनिंग निकालेंगे, ठीक। और ये इंटरप्रिटेशन हमें सबसे पहले करनी है, अगर सबसे पहले हम इंटरप्रेट करना चाह रहे हैं तो उसको जैसे है वैसे ही देखेंगे और वैसे ही समझने की कोशिश करेंगे, अगर वो कन्फ्यूजन और क्लियर है तो, कन्फ्यूजन नहीं कर रहा है क्लियर है तो, ठीक है। ये है गोल्डन रूल। अब इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है, मुझे भी बहुत मस्त सा केस लगा, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ये मकबूल हुसैन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, इसमें क्या हुआ, एक एप्लीएंट था जो कि सिटीजन ऑफ इंडिया का था, वो On arrival at an airport, did not declare that he bought gold with him. वो जब एयरपोर्ट पे अराइव कर रहा था किसी बाहर देश से, तब उसने ये बताया नहीं कि वो अपने साथ गोल्ड लाए। गोल्ड फाउंड इन हिज पोजेशन ड्यूरिंग सर्च इन वायलेशन ऑफ गवर्नमेंट नोटिफिकेशन, बाद में उसका जब सर्च हुआ तो उसके पास से सोना मिला, और ये क्या था, वायोलेशन था गवर्नमेंट नोटिफिकेशन का, गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया था कि आपको नहीं लाना, उसको लेके आया था। And was confiscated, मतलब उसका जब्त कर लिया गया था वो सोना।
और किस सेक्शन के अंदर, तो यहाँ पे अंदर सेक्शन 167 क्लोज 8 सी कस्टम एक्ट के अंदर 1878, और उसको चार्ज किया गया किसके अंदर, सेक्शन 8 ऑफ फॉरेन चार्ज रेगुलेशन एक्ट के अंदर, ठीक है, इसके अंदर उसे चार्ज किया गया। अब क्या होता है, एपिलियंट जो था ना वो जब कोर्ट में गया ट्रायल के लिए, तो वो कहता है कि अंडर दिस एक्ट ऑफ वायोलेशन, ये मेरे एक्ट, ये एक एक्ट का वायोलेशन है, किसका, एक्ट 22 का और कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 20 क्लोज 2 का वायोलेशन है। क्योंकि ये क्या कहता है आर्टिकल, ये जो है ना ये आर्टिकल 22 क्या कहता है ये हम देख लेते हैं। ये जियोपैडी के बारे में होता है। जियोपैडी मतलब होता है कि आप एक ही पनिशमेंट, एक ही चीज के लिए दो बार पनिश नहीं होगी। फॉर एग्जांपल आपका एक बार चलान कट गया सुबह किसी चीज के लिए, तो आप दिन भर फिर उस चीज के लिए चलान नहीं कटेगा, तो इसी चीज को कहता है। लेकिन अब कोर्ट ने इसके ऊपर क्या क्या वो हम देखने वाले हैं। इसने क्या कहा, इसने एक और चीज कहा कि एस जियोपैडी क्यों कहा कि इसका क्या हो गया, ये ऑलरेडी पनिश हो चुका है। किस चीज के लिए पनिश हो चुका है, इसके जो गोल्ड था ना उसको जब्त हो चुका है, तो ये एक पनिशमेंट है, ऐसा इसने कहा कोर्ट के सामने। फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसको कहा दैट सी कस्टम अथॉरिटी, ये जो सी कस्टम अथॉरिटी है वो ना ही कोर्ट है और ना ही जुडिशियल ट्रिब्यूनल है ना, और जो कॉन्फिगेशन इज नॉट अ पेनल्टी, और जो आप लेके गोल्ड आए हो इलीगल वे से तो वो पेनल्टी नहीं है, है ना, इसीलिए कोई तुम्हारे साथ जियोपैडी नहीं हुआ है, आप पहली बार ही तुम्हारा ट्रायल हो रहा है, द कॉन्सिक्वेंस इज ट्रायल वाज वैलिड, तो इसीलिए उसका ट्रायल वैलिड हो गया, ठीक है, वैलिड अंडर द एक्ट ऑफ 1947। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। आगे ये सब केसेस हैं, अगर आप धीरे से स्टॉप करके पढ़ लेना, बहुत सारे केसेस हैं इधर अपने पास, ठीक है। हाँ, एक्सेप्शन टू द रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन, इसके कुछ एक्सेप्शंस भी है। लॉजिकल डिफेक्ट कब हो, देखो एम्बिग्यूटी हो, इनकंसिस्टेंसी हो, इनकॉम्पिटेंट टू लिसन से, अनरीजनेबल लॉजिक, देखो ये सब चीजें हो ना तभी आप इन सब में हेल्प लोगे। अगर वो ऑलरेडी क्लियर है तब तो कोई लेगा ही नहीं, तो ये बताया गया कि जब क्लियर है तब आप हेल्प ना लें। लॉजिकल इंटरप्रिटेशन, तो हमें क्या करना है, लॉजिकल इंटरप्रिटेशन हमने दूसरा ये काइंड देख लिया, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स का। इसमें क्या होता है, इफ द वर्ड ऑफ अ स्टैट्यूट गिव राइज टू टू और मोर कंस्ट्रक्शन, कोई वर्ड है वो दो या दो से ज्यादा कंस्ट्रक्शन, मतलब वर्ड की मीनिंग निकाल रहा है इंटरप्रेट करने पे, देन द कंस्ट्रक्शन विच वैलिडेट द ऑब्जेक्ट ऑफ एन एक्ट, तो जो सा कंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्ट को इजीली वो कर रहा है, सूट कर रहा है, मतलब बिल्कुल लग रहा है कि रेलेवेंट है, तो उसी को हम इफेक्ट में डालेंगे, ठीक है, इंटरप्रेट उसी के सेंस में करेंगे। इट इज बेटर टू वैलिडेट अ थिंग्स देन टू इनवैलिडेट, तो ये क्या किस सेंस पे काम करता है कि किसी चीज को इनवैलिड कर देने से बढ़िया उसको एक चीज में वैलिड कर दे, तो इसी पे बोलता है ये कि लॉजिक लगाओ और करो कि उस पे कौन सा इंटरप्रिटेशन सूट करता है, अगर दो है तो उसी के अकॉर्डिंग हम करेंगे, ठीक है। द पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्शन रेस्ट ऑन द इंटेंट ऑफ पार्लियामेंट, ताकि इससे हमें इंटेंट भी मिले पार्लियामेंट का क्या था। अब एक है मिस्चीफ रूल, ये भी एक इंपॉर्टेंट रूल है, तो ये क्या है अब हम इसे देखने वाले हैं। तो मिस्चीफ रूल, mischief rule कहता है, the mischief of interpretation originated in Hayden's case, ये कहाँ पे हुआ था, Hayden's case में originate हुआ था mischief rule। अब ये है क्या mischief rule, तो ये कहता है if there are two interpretation possible for a material words of statutes, मतलब कोई चीज है ना, वो statute है, उसके दो interpretation possible है, then for sure and true interpretation are certain consideration in the form of question, तो उसका true interpretation निकालना है, और वो कैसे निकालना है, तो कुछ सवाल पूछ के, वो क्या सवाल है वो हम देखते हैं, इन क्वेश्चन को कंसिडर करना है, अगर आप इंटरप्रेट कर रहे हो तो क्या, देखो what was the common law before this making this act, तो इस act के आने से पहले कौन सा common law था, मतलब law कौन सा था ये देखना है। दूसरा, What was the mischief and defect for which the common law did not provide a remedy? तो वो जो पहले वाला law था, ऐसी कौन सी चीजों को वो cover नहीं करता था, उसके अंदर नहीं आती थी, कौन कौन से ऐसे crimes थे या mischief, मतलब कोई ऐसी हरकत थी जो नहीं आती थी, कौन सी कमियां थी उस law की जिसके कारण नया law बना। Next, what is the third point जो है हमारा, What is the remedy resolved by the parliament? तो parliament जो था उसने क्या remedy इसकी निकाली कि इस problem to cure the disease of commonwealth, तो ये जो नॉर्मल जो क्राइम्स हो रहे थे इस प्रॉब्लम्स का क्या पार्लियामेंट ने निकाला, क्या चीज, रेमेडी, इलाज, द ट्रू रीजन ऑफ रेमेडी, उसका रेमेडी जो मिला उसका ट्रू रीजन क्या है, द जज शुड ऑलवेज ट्राई टू सस्प्रेस द मिस्चीफ एंड एडवांस द रेमेडी। हाँ,
The image chief rule say that the intent of a legislature behind the enactment should be followed. तो ये क्या कहता है mischief rule? कहता है कि हमें क्या करना है, simple words में अगर हम जाएं तो mischief rule हमें ये कहता है, तो ये क्या कहता है हमें कि जो भी intent था legislature का behind the enactment should be followed. जो भी intent था इस act को बनाने के लिए तो उसे हमें follow करना चाहिए, ठीक है, इसी को ये कहता है. अब नेक्स्ट वीडियो अब मैं अगले लेक्चर में डाल दूंगा क्योंकि ये मुझे बहुत लंबा वीडियो लग रहा है, 50 मिनट का हो गया है. तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा. नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी मिलते हैं. जय हिंद, जय भारत.